बीजेपी की कहानी में कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन इस कहानी का एक किरदार इस वक्त पार्टी की धुरी है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश का कार्यभार संभाला था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 से 2024 आते आते गंगा में बहुत पानी बह गया, या कहें देश की राजनीति ने ऐसा घुमावदार मोड़ लिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम। और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कम से कम चुनावी खेल में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती दिखने लगी। कांग्रेस को उसके अपने ही डूबता जहाज मानने लगे हैं। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। और जिस जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे बीच में हैं। लेकिन ये कहानी कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की है। 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को पार्टी का कैंपेन इंचार्ज बनाया गया तो उन्होंने प्रचार अभियान को हाईटेक बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने 3D होलोग्राम कैंपेन लॉन्च किया। प्रत्यक्ष मळशे नरेंद्र मोदी जाने के तमारी वच्चे उभा रहीने तेओ तमारी साथे करी रह्या छे रूबरू बातचीत। नरेंद्र मोदी जेमनुं मन वसी छे 6 करोड़ गुजरातीओमां। तो सोशल मीडिया कैंपेन को नई धार दी। लगभग 2 दशक तक जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ट्रैक से उतरी हुई थी वहां का जिम्मा अमित शाह को सौंप दिया गया। अमित शाह ने बूथ दर बूथ अलग रणनीति बनाई और विजय पताका लहरा दिया। यूपी में बीजेपी ने 71 सीटें जीती और 2014 में कुल 282 सीटें जीतकर खुद अपने बूते सरकार बनाने की हैसियत पाली। ये विजय भी हमारा नहीं है, उन 5 पीढ़ियों की तपस्या का है। ये विजय वर्तमान के उन लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का है। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के अधिष्ठान पर चलने वाली पार्टी है। हमारी ताकत संगठन है। हम में से कोई न संगठन से ऊपर है न संगठन से परे हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। ये जीत बीजेपी के बरसों पुराने ख्वाब की परिणति थी, वो ख्वाब जिसे पार्टी की स्थापना के साथ भविष्यवाणी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी ने जिस वक्त मुंबई के समुद्र किनारे ये भविष्यवाणी की थी तब नरेंद्र मोदी बीजेपी में नहीं थे, वो संघ के सदस्य थे। लेकिन 1986-87 में बीजेपी में एंट्री के साथ उन्हें उस अहमदाबाद नगर निगम चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी दी गई जिसके बारे में अहमदाबाद के हिंदू समुदाय में एक कहावत थी कि बीजेपी दिल्ली तो जीत सकती है लेकिन अहमदाबाद नहीं। अहमदाबाद में मिल्स बहुत थे और उन मिल्स में आपके यूपी, बिहार और बहुत जगह से लोग आते थे।
तो लगभग 20 सीट्स ऐसी थी जो कि डोमिनेटेड थी इमिग्रेंट से, जो बाहर से लोग आके और वहाँ पे बसे हुए हैं। जनरली ये माना गया था कि ये लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बेस के पार्ट हैं वो जी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो 200 सीट जो थी वो बीजेपी के पास आ गई। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने कई चुनावों में बेहद अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन चुनावों में सबसे अहम था 2014 का चुनाव, जब मोदी गुजरात मॉडल का नाम जपते हुए देश की जनता को कांग्रेस राज से मुक्ति की जरूरत बताते थे। अगर आपके मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी तो गिलास भरा नहीं रह सकता। उनकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। वे नामदार है और मैं कामदार। आज भारतीय जनता पार्टी के इस पवित्र मंच से मेरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके देखो, 60 महीने एक सेवक को देके देखो। देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत है। 2014 की जीत के बाद बीजेपी के विस्तार को अंजाम देने की कोशिश शुरू हुई। इस कड़ी में ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू हुआ। साथ आए, देश बनाए, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। नरेंद्र मोदी ऑनलाइन रजिस्टर करने वाले पहले सदस्य बने। दरअसल बहुमत से सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस एजेंडे की बात बरसों बरस से कर रही है, अब उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और कई राज्यों में बीजेपी का भगवा तेजी से लहराया। भारत के नक्शे पर यह तस्वीर जून 2014 की है और ये नक्शा मार्च 2018 का, जब बीजेपी उफान पर थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। दिलचस्प ये कि 2019 में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को 303 सीटें मिली और इसमें 224 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए। और 2024 के फाइनल से पहले जिन 5 राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल बताया गया, वहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और अब नक्शे पर बीजेपी के लहराते भगवा का ये हाल है। एक वक्त था जब बीजेपी के साथ पार्टी विद डिफरेंस का तमगा था। उस तमगे का किस्सा अलग है, लेकिन आज की सियासी कहानी में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए लड़ती दिखती है। इसीलिए बीजेपी सत्ता में ना होते हुए भी मौका मिलने पर सरकार बनाने की कोशिश करती है और ऐसे राजनेताओं को पार्टी में लाने से नहीं हिचकती जिन्हें पार्टी के नेता कभी जी भरकर कोसा करते थे। बहरहाल 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी के सामने इंडी गठबंधन मैदान में है। इंडी गठबंधन के घटक दलों को समझ आ चुका है कि बीजेपी से लड़ना है तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि इस समझ के बावजूद सीट बंटवारे का पेच कई जगह ऐसा फंसा कि कई जगह घटक दल एकजुट नहीं हो पाए, जिसका फायदा बीजेपी को होना तय है। हाँ, राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का खात्मा, CAA का लागू होना और समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ते कदम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी के कोर वोटर का उस पर विश्वास पुख्ता होता है। और इसी विश्वास के बूते बीजेपी अब न केवल 400 पार का नारा दे रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो तीसरे कार्यकाल का एजेंडा बनाने में लगे। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूँ तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के
क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। देश का परचम लहराकर आगे बढ़ते आए हैं। आज तक ब्यूरो मंद गहनाई तरंग है आशा के।